वेलकम क्लास। तो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट यूनिट ऑफ सर्वेइंग एंड जियोमेटिक्स व्हिच इज नोन एज मॉडर्न फील्ड सर्वे सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, उस सिस्टम्स का जो हम लोग बेसिकली इस समय यूज कर रहे हैं। ठीक है, उन सिस्टम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो बेसिकली हम लोग प्रेजेंट टाइम में या प्रेजेंट एरा में हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस, टोटल स्टेशन, GPS, GIS, तो इन चार चीजों के। ठीक है, तो हम लोग यूनिट थ्री आपका स्टार्ट किए हैं। ठीक है, ये क्या आपका यूनिट थ्री जिसमें आपके चार टॉपिक्स हैं। ठीक है, जिसमें आपके चार सब टॉपिक्स हैं, चार पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट इज EDM। ठीक है, जो पहला पार्ट है वो क्या है, EDM जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, सेकेंड पार्ट आपका क्या है, टोटल स्टेशन। सेकेंड पार्ट क्या है आपका, टोटल स्टेशन। सेकेंड पार्ट आपका क्या है, टोटल स्टेशन। थर्ड वन इज GIS। ठीक है, GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म क्या है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और लास्ट जो फोर्थ वन है आपका, लास्ट टॉपिक है जो यूनिट थर्ड का, वो है GPS। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसका, ग्लोबल पोजीशनिंग, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो इन थर्ड यूनिट में इन चार टॉपिक्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या होता है EDM, क्या होता है, क्या उसके पीछे के प्रिंसिपल हैं, क्या उसके यूजेस हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ हम लोग यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या प्रिंसिपल है, क्या ऑपरेशन है, कैसे हम लोग करेंगे, इन चीजों के बारे में वन बाय वन हम लोग हर इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो EDM भी आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, टोटल स्टेशन एक इंस्ट्रूमेंट है, GIS एक पूरा सिस्टम है सर्वेइंग का, और GPS भी एक क्या है, पूरा सिस्टम है जो हम लोग बेसिकली इस समय यूज करते हैं, मैप। ठीक है, लोकेशन जो हम लोग का मोबाइल बताता है, ये सारी चीजें किस पे बेस होती हैं आपकी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पे बेस होता है। क्लियर? ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट थ्री। ठीक है, तो यूनिट थ्री का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, जो यूनिट थ्री का फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं EDM। क्या कहते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, EDM। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, EDM। फुल फॉर्म क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, तो करना क्या हमको, हम लोग को क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है, किसकी मेथड से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, ये जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उन वेव की हेल्प से, उन वेव्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे, और उस मेजरमेंट डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, EDM बोलते हैं। बेसिकली EDM आपका जो कंप्राइज होता है वो क्या है, थेडोलाइट है, थेडोलाइट टोटल स्टेशन है, टोटल स्टेशन के साथ एक माइक्रो प्रोसेसर लगा देते हैं, या EDM के साथ एक माइक्रो प्रोसेसर लगा देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, टोटल स्टेशन बन जाएगा। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे EDM में हिस्ट्री, कि कैसे इसको स्टार्ट किया गया, कहां से आइडिया आया, क्या चीजें थी ये। ठीक है, तो सब फर्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ EDM। ठीक है, EDM की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ द दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्टेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, EDM या इस चीजों को टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे हुआ, जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था तो उस समय लोगों को आइडिया आया। ठीक है, कैसे आइडिया आया, विद द डेवलपमेंट ऑफ रडार। ठीक है, रडार के डेवलपमेंट से इन लोगों को ये आइडिया आया कि हम लोग डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी क्या यूज कर सकते हैं, वेव का यूज कर सकते हैं। अब रडार क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, रेडियो डिटेंशन एंड
डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रडार रिटर्न्स द डिस्टेंस टू एन ऑब्जेक्ट एंड लेटर वर्जन ऑफ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू द ड्रॉपलर शिफ्ट बाई टाइमिंग द लेंथ ऑफ द टाइम फ्रॉम द ट्रांसमिशन ऑफ द ऑफ ए पल्स टू इट्स रिटर्न, ठीक है। कह रहा है कि होता क्या है कि रडार क्या करता था कि एक वेव, ठीक है, प्रोड्यूस करता था, वो ऑब्जेक्ट के पास जाता था, फिर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो जाता था, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है कोई, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या करता था, अपना रेस पास करता था, वो रेस जाती थी और आपकी क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट से फिर रिफ्लेक्ट होके फिर इस इंस्ट्रूमेंट के पास आती थी। तो ये जो रेज रिफ्लेक्ट होके फिर आई, इंस्ट्रूमेंट इसको कैप्चर करता था और उसकी वजह से हम लोग क्या करते थे, पर्टिकुलर डिस्टेंस मेजर करते थे। क्योंकि डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड हमको पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस हम लोग नहीं निकाल लेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यही बेसिक आपका फंक्शन होता है ईडीएम या रडार के केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक्यूरेसी वॉज सेट बाय टाइमिंग रिजोल्यूशन 1 माइक्रोसेकेंड इज इक्वल टू 300 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग की एक्यूरेसी सेट होती थी, ठीक है। इन 1949 डॉक्टर रिक बैस्ट्रैंड ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस द जियोडी मीटर, ठीक है, जियोडेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट दैट यूज लाइट 500 नैनोमीटर वेवलेंथ टू मेजर द जियोडेटिक क्वालिटी डिस्टेंस, इंस्ट्रूमेंट वेज 100 kg, ठीक है। इन 1949 एक स्वीडन के साइंटिस्ट थे डॉक्टर एरिक बैस्ट्रैंड, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक जियोडोमीटर डिवाइस, जियोडेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस बनाया, जो क्या करता था, लाइट का यूज करता था, वेव का यूज करता था। जो वेव थी वो कितने वेवलेंथ की थी, 550 नैनोमीटर, ठीक है, 550 नैनोमीटर की वेवलेंथ को यूज करते थे और उससे हम लोग क्या करते थे, जियोडेटिक क्वालिटी, मतलब वो डिस्टेंस जिसमें कर्वेचर का इफेक्ट आता था वो डिस्टेंस क्या करते थे, मेजर करते थे। ये इंस्ट्रूमेंट का जो वेट था अप्रोक्सीमेटली 100 kg था, 100 kg मतलब 1 टन। हम लोग इसको कहीं से एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जा नहीं सकते थे। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो था वो जियो डी मीटर था। नेक्स्ट आपका जो है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है कि इन 1950 में इसको फिर से हम लोग क्या किए, थोड़ा सा और मॉडिफाई किए, ठीक है। तो एट फर्स्ट दे वेयर कॉम्प्लिकेटेड लार्ज हैवी एंड सूटेड प्राइमरली फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज। करंट ईडीएम यूज आइदर इंफ्रारेड लाइट वेव और माइक्रोवेव, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया और 1950 में हम लोगों ने क्या किया कि इंफ्रारेड या फिर माइक्रोवेव की वजह से हम लोगों ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट्स को बनाया, ठीक है, ठीक है। तो जो करंट इस समय हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, करंट टाइम में जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस या ईडीएम यूज कर रहे हैं, उसमें हम लोग कौन सा रेज यूज करते हैं, इंफ्रारेड और या माइक्रोवेव, ठीक है, लाइट वेव या फिर रेडियो वेव हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। माइक्रोवेव रिक्वायर ट्रांसमीटर रिसीवर एट बोथ एंड, ठीक है, जिस भी ईडीएम में आपका माइक्रोवेव लगा होगा उसमें हम लोगों को ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों चाहिए, ठीक है, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों चाहिए। लेकिन उस केस में जिस केस में हम लोग इंफ्रारेड यूज करते हैं, इंफ्रारेड वेव यूज करते हैं, वो क्या करता है, एक एंड पे आपका ट्रांसमीटर लगा होता है और दूसरे एंड पे क्या होता है, रिफ्लेक्टिव प्रिज्म लगा होता है, ठीक है। और जो हम लोग बेसिकली इस समय यूज कर रहे हैं, इस समय जो भी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है, ईडीएम इंफ्रारेड की बनी हुई है, ठीक है। जो भी ईडीएम हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है, इंफ्रारेड वेव्स को यूज करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है, ठीक है, अब ये होता है कि डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, क्या चीजें, ठीक है। तो डिस्टेंस रेंज वॉज अबाउट 10 किलोमीटर ड्यूरिंग डे लाइट एंड 25 किलोमीटर एट नाइट, ठीक है। ईडीएम से हम लोग 10 किलोमीटर डे लाइट में 10 किलोमीटर तक की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और नाइट में 25 किलोमीटर की रेंज, ठीक है। इसके पीछे रीजन वही है क्योंकि हम लोग वेव्स यूज करते हैं, ठीक है, वेव्स यूज करते हैं। नाइट में
क्या होता है, रिफ्लेक्शन गुड होता है, ठीक है। नाइट में आपका रिफ्लेक्शन जो होता है, जो रिफ्लेक्टेड रेज रिफ्लेक्ट होके आती है, वो उसकी क्वालिटी क्या होती है, गुड होती है। इसकी वजह से जब हम लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, लेकिन इन डे ट्रैफिक या अदर फिनोमिना होने की वजह से क्या होता है कि वो चीजें डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटर रेंज ड्यूरिंग डे टाइम वॉज अचीव्ड यूजिंग रेडियो वेव्स एंड इन इन साउथ अफ्रीका डॉक्टर टी एल वैडली इंट्रोड्यूस टेलियोमीटर इन 1957, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि दो टाइप्स के ईडीएम होते हैं, एक होता है आपका जीओडी मीटर, ठीक है, जीओडी मीटर जो आपका स्वीडन के साइंटिस्ट ने, ठीक है, स्वीडन के साइंटिस्ट ने बनाया था, ठीक है, और एक होता है आपका टेलरोमीटर, ठीक है, टेलरोमीटर जो आपके साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट ने बनाया था, ठीक है, दोनों में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो जियोडोमीटर क्या होता है, एक हैवी इंस्ट्रूमेंट है, और टेलरोमीटर क्या है, एक लाइट वेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जियोडोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, इंफ्रारेड यूज करते थे, ठीक है, रेडियो वेव यूज करते थे, जो 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ की थी, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और टेलरोमीटर में हम लोगों ने क्या किया, रेडियो वेव्स इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। टेलरोमीटर आपका 1957 में क्या हुआ था, आपका इन्वेंट हुआ था, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज एक्स बैंड रेडियो वेव्स, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक्स बैंड की रेडियो वेव्स यूज कर रही है, जिसका आपको 10 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट एंड लुक्ड सिमिलर, ठीक है, जो रिसीवर एंड है और जो ट्रांसमिटर एंड है वो आपका सिमिलर था, ठीक है, दोनों साइड में क्या है, सेम चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर कुड बी मेजर्ड इन डेलाइट विद दिस इंस्ट्रूमेंट एंड लेटर मॉडल्स, ठीक है। टेलरोमीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, 50 किलोमीटर तक की रेंज को हम लोग डे टाइम में कवर कर सकते थे या डिस्टेंस मेजर कर सकते थे, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक ओवरव्यू था आपका ईडीएम का, हिस्ट्री या कैसे जनरेट हुई चीजें या कैसे इंस्ट्रूमेंट्स बने, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि ईडीएम क्या होता है और उसके इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस मेजरमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक मेथड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेथड से जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या, वो उस समय जो इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइसेस, ठीक है। सेकेंड आपका आता है बेस्ड ऑन हार्ड वायर एल्गोरिथम, ठीक है, ये क्या है, हार्ड वायर एक एल्गोरिथम होता है, उसके ऊपर ये बेस होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, बस नाम जान लीजिए कि किस एल्गोरिथम पे वो काम करता है, तो हार्ड वायर एल्गोरिथम पे वो वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिले ऑन प्रोपोगेशन रिफ्लेक्शन एंड सब्सिक्वेंट रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो जो ईडीएम होता है वो बेसिकली किस पे वर्क करता है, प्रोपोगेशन मतलब हम लोगों ने रेस भेजी, रेस कितनी रिफ्लेक्ट हुई और ट्रांसमीटर रिसीवर कितना रिसीव किया, इस पर डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर डिवाइस की एक्यूरेसी और क्वालिटी डिस्टेंस मेजरमेंट की, क्लियर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक एंगल मेजरमेंट कंबाइंड द फंक्शन ऑफ थियोडोलाइट एंड ईडीएम नोन एज टोटल स्टेशन, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस के साथ साथ एंगल भी मेजर कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, थियोडोलाइट का भी फंक्शन आता है और हमारे डिस्टेंस मेजरमेंट का भी फंक्शन आता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, टोटल स्टेशन कहलाता है, जो आपका सेकेंड पार्ट है यूनिट थर्ड का, क्लियर। नेक्स्ट, ईडीएम इक्विपमेंट क्लासिफिकेशन, ईडीएम को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो ईडीएम को दो तरीके से क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ ऑपरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ कैरियर वेव यूज, ठीक है, दो बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया। पहला है रेंज ऑफ ऑपरेशन और दूसरा क्लासिफिकेशन है आपका कैरियर वेव्स के ऊपर, ठीक है। कैरियर वेव्स मतलब जो वेव्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसके ऊपर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है आपका, डिपेंड करता है ईडीएम का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे हमारा ईडीएम कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है शॉर्ट रेंज, ठीक है। सबसे पहला टाइप क्या है, शॉर्ट रेंज।
दूसरा आपका है मीडियम रेंज और तीसरा है लॉन्ग रेंज। मतलब तीन टाइप से हम लोग डिस्टेंस क्लासिफिकेशन करते हैं, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज। ठीक है, अब शॉर्ट रेंज में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेंज शुड बी लेस देन 3 किलोमीटर। वो डिस्टेंस मेजरमेंट जो 3 किलोमीटर से कम का होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट रेंज बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट रेंज बोलेंगे। ठीक है, इसमें जो एक्यूरेसी होती है वो प्लस माइनस 0.2 प्लस 1 mm पर किलोमीटर होती है। जो एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है, प्लस माइनस 0.2 mm प्लस 1 mm पर किलोमीटर। ठीक है, ये एक्यूरेसी होती है। प्लस 1 mm पर किलोमीटर का मतलब ये है कि अगर आपका जैसे 3.5 किलोमीटर हो गया, ठीक है, तो अगर हम इससे यूज कर रहे हैं तो 0.5 mm आपका पर किलोमीटर क्या होगी, एक्यूरेसी प्लस माइनस हो सकती है। ठीक है, इसको हम लोग किससे करते हैं, टेलरोमीटर से। ठीक है, शॉर्ट रेंज की जितने भी डिस्टेंस मेजरमेंट होता है वो हम लोग टेलरोमीटर से की हेल्प से डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं मीडियम रेंज पे। ठीक है, मीडियम रेंज तो इसमें जो डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं वो आपका लेस देन 25 किलोमीटर होता है। ठीक है, वही डिस्टेंस हम लोग मीडियम रेंज में लेंगे जिसमें डिस्टेंस हम लोग लेस देन 25 किलोमीटर से मेजर करेंगे। ठीक है, एक्यूरेसी कितनी होगी, प्लस माइनस 5 प्लस 1 mm पर किलोमीटर। ठीक है, प्लस माइनस 5 प्लस 1 mm पर किलोमीटर इसकी एक्यूरेसी होगी। ठीक है, और इसको मेजर करने के लिए या इस पर्टिकुलर रेंज को डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जियोडोमीटर की यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, जियोडोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट है आपका लॉन्ग रेंज। ठीक है, लास्ट आपका क्या है, लॉन्ग रेंज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिस्टेंस जो मेजर होगा वो लेस देन 100 किलोमीटर होगा। ठीक है, और जो एक्यूरेसी होती है प्लस माइनस 10 प्लस 3 mm पर किलोमीटर की एक्यूरेसी होती है। ठीक है, इसको इस टाइप के ईडियम क्या कहते हैं, मेजरमेंट में हम लोग डिस्टोमैट एक ईडियम इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि रेंज ऑफ ऑपरेशन में, ठीक है, ईडियम इक्विपमेंट क्लासिफिकेशन तीन तरह के होते हैं, एक शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज में जो डिस्टेंस होता है वो लेस देन 3 किलोमीटर होगा, एक्यूरेसी कितनी होगी, प्लस माइनस 0.2 प्लस 1 mm पर किलोमीटर। टेलरोमीटर हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस मेजरमेंट में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मीडियम रेंज। मीडियम रेंज में आपका जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन 25 किलोमीटर होगा, एक्यूरेसी कितनी होगी, प्लस माइनस 5 प्लस 1 mm पर किलोमीटर एक्यूरेसी होगी, और जियोडोमीटर का यूज हम लोग करेंगे डिस्टेंस मेजरमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज में क्या होगा, जो डिस्टेंस मेजरमेंट रेंज होगा वो लेस देन 100 किलोमीटर होगा, और प्लस माइनस 10 प्लस 3 mm पर किलोमीटर हम लोग क्या करेंगे, एक्यूरेसी रहेगी इसकी। ठीक है, और डिस्टोमैट का हम लोग यूज करेंगे आपका बेसिकली डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। ठीक है, किसका यूज करेंगे, डिस्टोमैट का। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ईडीएम क्लासिफिकेशन, ईडीएम इक्विपमेंट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरियर वेव यूज। कैरियर वेव यूज का मतलब वो वेव जो हम लोग बेसिकली अपने इंस्ट्रूमेंट में यूज कर रहे हैं, उस वेव के ऊपर क्या है, ईडीएम को फिर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन क्या है, पहला है माइक्रोवेव। ठीक है, पहला क्या है, माइक्रोवेव ईडीएम। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन क्या है, माइक्रोवेव ईडीएम, मतलब वो इक्विपमेंट जिसमें हम लोग माइक्रोवेव का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड क्या है, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट ईडीएम। ठीक है, वो ईडीएम जिसमें हम लोग विजिबल लाइट का यूज करेंगे। और थर्ड क्या है आपका, इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम लोग इंफ्रारेड वेव्स का यूज या का यूज करेंगे, उस ईडीएम को हम लोग क्या बोलेंगे, इंफ्रारेड ईडीएम बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन हमारे क्लासिफिकेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरियर वेव यूज। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला हमारा होता है माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव ईडीएम, तो ये लॉन्ग रेंज इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है, लॉन्ग रेंज इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, लॉन्ग रेंज इंस्ट्रूमेंट होता है, और फ्रिक्वेंट जो रेंज होती है वो 3 से 30 GHz होती है। ठीक है, क्या होती है, 3 से 30 GHz क्या होती है, फ्रिक्वेंसी रेंज होती है। ठीक है, बेसिकली टेलरोमीटर में ये माइक्रोवेव हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया माइक्रोवेव में क्या होता है, लॉन्ग रेंज इंस्ट्रूमेंट है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 3 से 30 GHz होती है फ्रीक्वेंसी, और आपकी टेलरोमीटर में माइक्रोवेव यूज होता है। नेक्स्ट है आपका विजिबल लाइट। ठीक है,
मीडियम रेंज इंस्ट्रूमेंट में विजिबल लाइट का यूज करते हैं, मतलब उस में जहां पे हम लोगों को मीडियम की रेंज की डिस्टेंस यूज करनी हो मेजरमेंट में वो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 5 × 10⁴ हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 5 × 10⁴ हर्ट्ज। और जो आपकी इंस्ट्रूमेंट में विजिबल लाइट यूज होती है वो क्या है, जियोडोमीटर, ठीक है। जियोडोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, विजिबल लाइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड, ठीक है। तो शॉर्ट रेंज इंस्ट्रूमेंट है, फ्रीक्वेंसी जो यूज होती है वो 3 × 10⁴ हर्ट्ज यूज होती है, और ये बेसिकली डिस्टोमैट में हम लोग क्या करते हैं, इंफ्रारेड यूज करते हैं। क्लियर। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ ऑपरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैरियर वेव यूज्ड। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है आपका वो है ईडीएम इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली हम लोग को दो टाइप्स के ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, दो टाइप्स के ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली जो हम लोग को दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है ईडीएम के, वो है जियोडोमीटर और टेलरोमीटर। एक और इंस्ट्रूमेंट होता है डिस्टोमैट, ठीक है, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे कि डिस्टोमैट्स की क्या फीचर्स हैं, कैसे इंस्ट्रूमेंट कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो दो इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, एक है जियोडोमीटर, दूसरा आपका टेलरोमीटर, ठीक है। जियोडोमीटर को इन्वेंट किसने किया था, एक स्वीडन के साइंटिस्ट थे, ठीक है, स्वीडन के साइंटिस्ट थे डॉक्टर एरिक बर्स्टैंड, ठीक है। और टेलरोमीटर को एक साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट ने किया था, डॉक्टर टीएल वार्डले, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जियोडोमीटर, ठीक है, तो इन्वेंशन लिख लो, इन्वेंटेड इन 1949 स्वीडन साइंटिस्ट डॉक्टर एरिक बर्गस्ट्रैंड, ठीक है, डॉक्टर एरिक बर्गस्ट्रैंड, ठीक है, 1949 में स्वीडन साइंटिस्ट डॉक्टर एरिक बर्गस्ट्रैंड ने इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। ये हैवियर डिवाइस है, ठीक है, अप्रॉक्स जो इसका वेट है, ठीक है, अप्रॉक्स जो इसका वेट है वो कितना है, 100 केजी के आसपास है, ठीक है, हैवियर डिवाइस है, 100 केजी के आसपास इसका क्या है, वेट होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आर लिमिटेड टू नाइट्स ओनली, ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ नाइट्स में ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ठीक है, सिर्फ आपका नाइट्स में हम लोग ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट सेटअप एट वन एंड एंड रिफ्लेक्टर एट अदर एंड, ठीक है। इसमें होता क्या है कि एक एंड पे हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं और रिफ्लेक्टर को अदर एंड में यूज करते हैं, ठीक है, अदर एंड पे क्या करते हैं, रिफ्लेक्टर्स को हम लोग रखते हैं, ठीक है। लाइट रेडियो वेव्स आर यूज, ठीक है, इसमें क्या होता है, लाइट रेडियो वेव्स हमारी बेसिकली यूज होती है, ठीक है। तो जियोडोमीटर क्या है, 1949 में इन्वेंट हुआ था, स्वीडन साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, जिनका नाम था डॉक्टर एरिक बर्गस्ट्रैंड, ठीक है, हैवियर डिवाइस है, ठीक है, हैवियर डिवाइस है, इसका अप्रॉक्सिमेटली वेट कितना होता है, 100 केजी होता है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, नाइट्स ओनली में, हम लोग बेसिकली इसको नाइट्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज कैसे करते हैं, एक साइड पे हम लोग क्या करते हैं, रिसीवर रखते हैं, एक साइड पे हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्टर रखते हैं, मतलब एक साइड पे हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे और एक साइड पे क्या करेंगे, रिफ्लेक्टर पुट करेंगे, ठीक है। और इस बेसिकली इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, लाइट रेडियो वेव्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सेकंड है टेलरोमीटर, ठीक है, इन 1957, ठीक है, 1957 में, ठीक है, सेकंड आपका क्या है, टेलरोमीटर इन 1957
साउथ अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट, साइंटिस्ट डॉक्टर टीएल वार्डले, ठीक है, टीएल वार्डले ने इसका बेसिकली इन्वेंशन किया था। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहला लाइटर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वेट क्या क्या होता है, बहुत कम होता है, तो इसकी एडवांटेज क्या है, इसको हम लोग कहीं भी उठा के ले जाके ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑब्जर्वेशन में बी मेड ड्यूरिंग डे एज वेल एज ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, डे और नाइट दोनों में हम इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, टू आइडेंटिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर एट आइदर एंड, किसी भी एंड पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दो आइडेंटिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं जिसमें रिसीवर ट्रांसमीटर दोनों लगा होता है और वो रेस को जो जाती है उसको हम लोग बेसिकली कैप्चर करते हैं और डिस्टेंस उससे मेजर करते हैं। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स आर यूज। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का यूज करते हैं बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, तो अब देखो जो जियोडोमीटर में क्या एक चीज ये बोल सकते हैं कि जियोडोमीटर के जो डिसएडवांटेजेस थे उसको बहुत कोशिश किया गया यहाँ पे एंड करने के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करें, जियोडोमीटर में क्या करें, सिर्फ नाइट में ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। टेलरोमीटर में क्या किया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया उसको, डे एंड नाइट दोनों में हम लोग रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक एंड पे क्या करते थे हम लोग, इंस्ट्रूमेंट रखते थे, दूसरे पे रिफ्लेक्टर रखते थे। लेकिन टेलरोमीटर में क्या हुआ कि दोनों चीज हम एक एंड पे रख के वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइट रेडियो वेव्स का हम लोग यूज करते थे जियोडोमीटर में, लेकिन टेलरोमीटर में क्या हुआ, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स का हम लोग यूज करने लगे। ठीक है, तो ये दो इंस्ट्रूमेंट थे, जियोडोमीटर और टेलरोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बेसिक फंक्शन। ठीक है, वॉट आर द बेसिक फंक्शन बिहाइंड द ईडीएम वर्क। ठीक है, ईडीएम के पीछे क्या है आपका बेसिक फंक्शन क्या है। ठीक है, तो देखो वर्क कैसे करता है। ठीक है, होता क्या है, जैसे फिगर में देखो कि एक जगह हम लोग ईडीएम रखते हैं, ठीक है, और एक जगह हमारे पास रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, एक जगह क्या होता है ईडीएम होता है और एक जगह क्या होता है रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, ईडीएम से रेस ट्रांसमिट की जाती है और रिफ्लेक्टर क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो ईडीएम के पास रिसीवर होता है, वो क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, रिसीव करने के बाद उसको चेंज करता है और हमको क्या करता है, मेजरमेंट प्रोवाइड करता है कि वहां डिस्टेंस कितनी थी। ठीक है, तो सबसे पहला वर्क जो हमारा होता है वो क्या होता है, जनरेशन का। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वेव्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद वेव्स क्या करती है, मॉड्यूलेट होती है, मतलब वो फ्रिक्वेंसी अपनी मॉडिफाई करने के बाद, ठीक है, मॉडिफाई करती है फ्रिक्वेंसीज को और उसके बाद क्या होती है, वो ट्रांसमिट होता है। मतलब हम लोग पहले सिग्नल प्रोवाइड किए, सिग्नल क्या हुई, मॉड्यूलेट हुई, मॉड्यूलेट मतलब दो आपस में सिग्नल्स क्या हुई, मॉड्यूलेट हुई, मैच की, मैच करने के बाद वो सिग्नल्स क्या हुई, ट्रांसमिट का ऑर्डर मिला, ट्रांसमिशन, फिर वो क्या हुई, प्रोपोगेट की। ठीक है, मतलब ट्रांसमिट किया फिर प्रोपोगेशन हुआ। ठीक है, प्रोपोगेशन के बाद वो क्या हुई, एक ऑब्जेक्ट से क्या हुई, टकराई। ठीक है, कोलिजन हुआ और कोलिजन होने के बाद वो रेज क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गए। रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर रिसीवर पे क्या हुआ, वो रिसीव हुआ। ठीक है, वो रिसीवर क्या किया, रेस को रिसीव किया और उसको फिर डीमॉड्यूलेट किया। डीमॉड्यूलेट का मतलब जो सिग्नल रिसीव किया उसको एक मीनिंगफुल डाटा में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। मीनिंगफुल डाटा कन्वर्ट करने के बाद क्या हुआ, जो हमारा डिस्टेंस है वो मेजर हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक आपके फंक्शन है कैसे हमारा ईडीएम वर्क करता है। वर्क कैसे करता है, सबसे पहले हम लोगों ने उसको सिग्नल दिया कि हमको इतने यहां से वहां तक की, सपोज ए से बी पॉइंट की हमको डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, उसके बाद वो सिग्नल गया, सिग्नल मिलने के बाद क्या हुआ, वो सिग्नल मॉड्यूलेट हुआ। मॉड्यूलेट इन द सेंस कि वहां पे हम लोगों ने उसको कुछ स्पेसिफिक सिग्नल दिया, फिर वो सिग्नल क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ। ट्रांसमिट होने के बाद प्रोपोगेट किया। ठीक है, मतलब यहां से ट्रांसमिशन के लिए ऑर्डर आया, फिर ये प्रोपोगेट होते हुए यहाँ से फॉरवर्ड पाथ होते हुए रिफ्लेक्टर तक गई। अब रिफ्लेक्टर क्या किया, यहाँ से रेस को क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होते हुए कहाँ गई, रिसीवर एंड पे गई। ठीक है, रिसीवर एंड के बाद फिर रिसीव हुआ सिग्नल, रिसीवर क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है, उसके बाद फिर उसको एक मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ डीमॉड्यूलेटर एंड द प्रोसेस नोन एज डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, और वो क्या करता है, एक बेसिक
डिस्टेंस बताता है कि आपके ए और बी पॉइंट में क्या डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा ईडियम वर्क करता है, ठीक है। अब मॉड्यूलेशन क्या है, डीमॉड्यूलेशन क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्ड है, ठीक है। तो बस इतना जानो कि वर्क कैसे करता है और उसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका कि कैसे चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। तो अब आज के लेक्चर में यहीं तक रहने दो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन पढ़ेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या होता है और आपका डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हिस्ट्री ऑफ ईडीएम देख लिया, इंट्रोडक्शन पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ईडीएम, दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा और बेसिक फंक्शंस पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है और इन टर्म्स कैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है।